वेलकम टू जिब्रान खान की न्यूज। तो अगले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है वो यहाँ पे रिवाइंड होगा। तो लाइक साहब की बहन ने काफी कुछ बोल दिया इनकी बेटियों को, और वो उन्होंने बोल दिया जिसने अंगूठी पहनाई थी आयजा को उसी से उसकी शादी करवाई जाए। और यहाँ पे सारी बातें सुन लेते हैं अयाज साहब, और अयाज साहब बोलते हैं मैं अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकता हूँ। गैरों ने तो मुझे काफी कुछ बोला है, उसका दुख नहीं हुआ उनको, लेकिन इनके अपनों ने जो काफी कुछ इनको बोला है लाइक साहब को, तो वो काफी इनके दिल पे लगी है वो बात, तो वो ये कभी भूलेंगे नहीं। इसी वजह से टीजर में जैसे दिखाया गया है कि वो किसी भी हाल में अपनी बेटियों की खुशी को बिल्कुल बराबर रखेंगे, वो जो भी बात होगी वो बेटियों के मुताबिक होगी। और ये बात जब बताएंगे लाइक साहब अपनी बहन को कि मुझे वादा किया था तुम्हारी माँ ने, तो लाजमी बात है फिर वो कुछ नहीं बोल पाएंगी और यहाँ पे राजी हो जाएंगे लाइक साहब आयजा की शादी के लिए। जी हाँ, ये तो यही होगा कि आयजा की शादी असद के साथ ही होगी, क्योंकि जो इनकी मीटिंग चल रही है कि दानिश की और असद के वालिद साहब की, उनकी मीटिंग होगी वहां पे। अगर ये बात रखते हैं असद के वालिद साहब, जब भी सारा कुछ रिवाइल हो जाएगा, ये आगे की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जब असद के वालिद साहब दानिश से बात करेंगे कि मेरे बेटे के लिए बात करो तुम आयजा के लिए, क्योंकि वो भी काफी शौक में आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद पसंद करते थे आयजा को, तो इसमें बिजनेस भी आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को ही पसंद करते थे, तो वहां पे काफी मसाला हो जाएगा इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो है दानिश काफी साइड ले रहे हैं अब फिजा की, और काफी उनके बराबर में अंडरस्टैंडिंग जो थी वो अब सॉल्व होते जा रही है कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये इनका पैचअप करवा दें, हो सकता है दानिश इनकी आयजा से बात करके, घर वालों से, आयजा के घर वालों से बात करके असद से इनकी शादी करवा दें, या फिर ये मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि इनकी बिजनेस मीटिंग जो होगी उसके अंदर असद के वालिद साहब ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए थे दानिश की कंपनी को सबमिट करवाए थे, उसके अंदर कुछ गलत पोटेशन इन्होंने भेजी है कि, तो हो सकता है कि दानिश को इसमें लॉस हो जाए, तो उसका बदला लेने के लिए जो है ये मना भी कर सकते हैं। तो काफी कुछ इससे निकल कर आ रहा है, ये आगे के एपिसोड के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये दानिश इनकी शादी करवा दे या फिर इनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी दानिश की और असद के वालिद साहब की, क्योंकि उन्होंने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की है। अपनी जो फाइल बनाई थी इन्होंने, पोटेशन बनाई थी दानिश की कंपनी में समर्ट करवाने के लिए, उनकी सेक्रेटरी ने भी बोला था कि आप ये गलत कर रहे, तो उन्होंने बोला था ये मेरी फैक्ट्री है, मैं जो करूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। तो क्या कुछ होगा अगले एपिसोड के अंदर वो सब यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।